आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में उपनगर मुरा थाना क्षेत्र के भगवती कॉलोनी में रहने वाले एक बिजली कारोबारी की अज्ञात लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। आधी रात के बाद सिंहपुर रोड पर स्थित कलारी के पास स्थित हॉकर जोन में एक युवक की लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। मौके पर जाकर देखा तो गणेश शर्मा नामक युवक की लाश वहां मिली। मृतक गणेश ने हाल ही में अपना एक मकान बेचा था, जिसके एवज में उसे 10 लाख रुपए मिले थे। वह बिजली का भी काम करता था। इस रकम के अधिकांश हिस्से से उसने बिजली का सामान खरीदा था और शादियों में होने वाले आयोजन के लिए कारोबार करने की तैयारी कर रहा था। पता चला है कि गणेश शराब आदि का भी शौकीन था। अक्सर उसे सिंहपुर रोड पर स्थित कलारी में देखा जाता था। समझा जाता है कि उसके किसी सहयोगी ने ही आपसी विवाद या पैसे के लालच में उसका चाकू मारकर कत्ल किया गया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मृतक गणेश की लाश का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मुराथा क्षेत्र के अंतर्गत रात को सूचना मिली थी, तकरीबन 1 बजे पुलिस की पार्टी गई थी और एक डेड बॉडी थी, मृतक था, तो उसको जो आइडेंटिफिकेशन उसकी हुई गणेश शर्मा के रूप में। गणेश शर्मा ये भगवती कॉलोनी थाना मुरार का रहने वाला है और ये इसकी शादी नहीं हुई थी और इसने अभी एक मकान बेचा है 10 लाख रुपए का और उसमें उसने 6-7 लाख रुपए का उसने बिजली का सामान खरीदा था और उस पर जो शादी में जो किराए से जो बिजली का सामान सप्लाई करने का ऐसा काम था। और ये जैसा कि आसपास के लोग जो लोग उसको जानते हैं, जो उसके मित्र हैं, अभी पूछताछ की जा रही है। लगभग 2 दर्जन संदिग्ध लोग उठाए हैं, तो उनके द्वारा बताया गया था कि शराब का सेवन काफ़ी करता था। तो ऐसे हालत में उसकी डेड बॉडी जो मिली है वो एक जो आहता है, एक ठेका है शराब का सिंहपुर रोड पर, उसके पास जो हॉकर जोन है, हॉकर जोन के अंदर एक ठेले पर डेड बॉडी मिली थी। तो उसमें केस रजिस्टर किया जाकर थाना मुरार में और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल उसका PM चल रहा है और चूंकि जो रात में उसके साथ जो सस्पेक्टेड लोग थे, उस कलारी पे कौन कौन लोग थे, उन सब का CCTV फुटेज निकाला जा रहा है और जल्दी इस घटना को ट्रेस किया जाएगा। क्या कारण क्या रहा है कुछ? चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आइडेंटिफाइड बॉडी नहीं हुई थी, लेकिन 2-3 घंटे में फिर उसको आइडेंटिफिकेशन हो पाया। अब चूँकि कारण पता तभी चलेगा जब उसका आरोपी मिल जाएगा, तो अभी पुलिस हर एंगल, जब तक कि सारे एंगल खुले हुए हैं हमारे लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो सकता है या फिर ये चूँकि पैसा भी काफ़ी ब्याज पर ये देता था, और भी इसके कई एंगल हैं, तो सारे एंगल हमारे लिए खुले हुए हैं, लेकिन स्पष्ट कारण आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा। हत्या कैसे हुई है? चाकू से हुई है, जो सब्जी वाले जो ठेले लगाते हैं, जो छोटा सा एक चाकू उपयोग में करते हैं, उसी चाकू से उसकी हत्या हुई है। तो वो स्पॉट पर चाकू ही मिल गया था और चूंकि आरोपी आइडेंटिफाइड नहीं हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट कारण बताया जाना